हेलो वांशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मेरे पास इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने दी मुझे। थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी अपना टाइम निकालकर मेरे लिए कमेंट किए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे गए, जिनमें कुछ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं उनका आंसर आज के वीडियो के लास्ट में मैं देने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैं और आप सब लोग भी इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। टैगलाइन में मैंने देखा कि उसमें एक्चुअली बॉटम लंजा नहीं है, ओनली स्विचिंग बॉटम लंजा है। तो यानी स्टोरी में आगे जाकर बॉटम लंजा भी हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। ओके, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का ये पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेनिंग वेइंग से कहता है आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगले दिन सारे टीम्स अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने अपने नेशन के फ्लैग्स को होस्ट करते हुए फील्ड में एंट्री लेते हैं। नेशनल एंथम हो जाने के बाद पूरा फील्ड एक नाइट हंटिंग एरिना में कन्वर्ट हो जाता है। सेमीफाइनल्स में जैसे ही टाइमर काउंटडाउन शुरू होता है, विंग अपनी सर्च करना शुरू कर देता है। रास्ते में जितने भी कॉर्पसेस और मॉन्स्टर्स मिल रहे थे वो उन सब का हंट कर चुका था। काफ़ी सारे लोगों के टारगेट्स को भी उसने हंट किया था। जैसे ही सेमीफाइनल का एंड होने को आता है, बजर बजने लगता है। स्कोर बोर्ड पर उसकी रैंक बहुत हाई थी। सारे फैंस पागल हो गए थे, उसके लिए चिल्ला रहे थे। कोई उस पर फ्लावर्स फेंक रहा था तो कोई उस पर प्लश टॉयज। तभी विंग के पास एक स्टफ्ड रैबिट आकर टकराता है जो एक फैन ने ही उसकी तरफ फेंका था। विंग उस रैबिट टॉय को अपने हाथ में ले लेता है। वांगजी का ग्रुप लास्ट में था, लेकिन उसके बाद भी विंग वेनिंग और वांगजी दोनों के लिए ही चेयर कर रहा था। वेनिंग उसे स्माइल रिटर्न में देता है, पर वांगजी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। विंग को बुरा लगता है, पर फिर भी वो मुस्कुराने लगता है। सेमीफाइनल्स का जब लास्ट राउंड शुरू होता है, वो देखता है कि वांगजी ग्रेसफुली और एफर्टलेसली अब अपने रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था। सेमीफाइनल्स के फाइनल स्कोर बोर्ड में वांगजी अब टॉप पर था, विंग थर्ड पोजीशन पर आ गया था और ह्वेसांग बीच में था। एक बार फिर उन सब पर फूलों की बारिश होने लगती है। विंग एक प्योनी फ्लावर को पकड़ता है और उसे वांगजी की तरफ फेंकता है। इस बार वांगजी भी उस प्योनी फ्लावर को लेकर अपनी जैकेट में बिना किसी हेजिटेशन के टक कर लेता है। ये देखकर विंग को एक होप मिलती है। सेमीफाइनल्स ख़त्म हो जाने के बाद विंग सई टाउन के एक बार में जाता है, जहाँ उसका सामना दो प्रिटी ब्रिटिश लड़कियों से होता है। उनमें से एक लड़की विंग से कहती है, मैंने सुना है कि तुमने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा किया वेविशन, तुम्हारा राइवल कहाँ है? टीवी पर तुम दोनों के कुछ टेप्स देखे हैं, तुम दोनों तो लास्ट कॉम्पिटिशन के बाद हमेशा साथ दिखाई देते थे ना? विंग कहता है वो पार्टीज नहीं करता। तो वो लड़की कहती है, इसका मतलब तुम यहाँ अकेले आए हो? ऐसा कहकर वो एम्पर्स स्माइल का एक ग्लास उसकी तरफ पास करती है। विंग तुरंत उसे ड्रिंक करते हुए कहता है, मैं उसके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं उसे डेटिंग नहीं कर रहा। और वो मन में सोचता है, अगर लंजा रेडियो पर यह कह सकता है कि हम दोनों केवल फेलो एथलीट्स हैं, तो मैं कम से कम ये तो कह ही सकता हूँ ना। तभी एक अमेरिकन लड़की वहाँ आकर ह्वेसांग के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहती है, ये तो अच्छी बात है, ओलंपिक्स में कभी भी हमें अपने पार्टनर्स नहीं बनाने चाहिए, वरना आधा मज़ा तो वहीं ख़राब हो जाता है। विंग बार बार अपने दिमाग में वांगजी के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो फिर से एम्ब्रस स्माइल का एक जार खाली करते हुए उस लड़की की तरफ विंग करते हुए कहता है, मैं भी यही सोचता हूँ, और मे बी फाइनल्स के बाद मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी वो करने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन में हो। वो लड़की तुरंत अपना एक हाथ विंग के लेग्स पर रखते हुए कहती है, अगर तुम जीते तो फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम कितने फ्लैक्सीबल हो सकते हैं। विंग उसके बालों में हाथ फिराते हुए, हालांकि उसके दिमाग में किसी और के बालों की मेमोरीज चल रही थी, वो उस लड़की से कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए कोई इनविटेशन है। वो लड़की अब हंसते हुए कहती है, मैंने कहा ना, ये बात इस पर डिपेंड करती है कि कल कंपटीशन में तुम कैसा परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट इवनिंग अब फाइनल्स होने वाले थे, और इस बार तो क्राउड और भी ज़्यादा था। ग्रीन रूम से ह्वेसांग क्राउड को देखकर कह रहा था, इस तरीके का क्राउड तो फुटबॉल फाइनल्स में होता है। विंग उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहता है, चीयर अप ब्रो, डरने की क्या बात है। और वो म्याम्या से कहता है, म्याम्या, ये ओलंपिक्स हैं, अगर तुम हारी तो कम से कम तुम बेस्ट लोगों के बीच में हारोगी। म्याम्या कहती है, वे युनदाओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हारूंगी? जैसे ही वो सब लोग ग्रीन रूम से कॉरिडोर की तरफ आते हैं, काउंटडाउन शुरू हो जाती हैं।
एक बड़े से सांप की आवाज़ें आती हैं और सडनली पूरे एरिना में शांति हो जाती है। रिवर में एक बड़ा सा सांप था। कॉम्पिटिटर्स उस सांप के हेड के चारों ओर अपनी तलवार पर उड़ रहे थे। इस बार कॉम्पिटिटर्स में एक नई कॉम्पिटिटर थी जिसका नाम चिंसू था। विंग ने उसे पहले कभी किसी कॉम्पिटिशन में नहीं देखा था। चिंसू अपने डैगर से उस स्नेक पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, तभी वैनिक और हुएसांग अचानक उस पर अटैक कर देते हैं। एरोस की अटैक की वजह से वो स्नेक अचानक अपनी टेल हिलाने लगता है। वैनिंग तो कैसे भी खुद को बचा लेता है, पर हुएसांग को वो टेल जाकर लग जाती है और वो तुरंत टाइम आउट कर देता है। विंग तभी चिंसू के पास जाता है। अचानक से वहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। विंग चिंसू से पूछता है, क्या तुमने उस सांप की कोई कमजोरियाँ देखी? चिंसू हाँ में सिर हिला देती है और उससे कहती है, ये पानी से बना हुआ है, इसके गिल्स सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तभी वांग जी कहता है, ये सांप शांगलू है जिसके 9 सिर होते हैं, हमें इसके 9 सिरों पर अटैक करने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होगी। विंग अपनी फ्लूट पकड़ते हुए कहता है, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। विंग कहता है, जिनजुशन म्याम्या तुम लोग भी उसे डिस्ट्रैक्ट करो जिससे वो मेरी फ्लूट पर ध्यान न दे पाए, और जेंगशा तुम जिडियन से उसके गर्दन को टाई कर देना। जो भी पहले उस पर जानलेवा हमला कर पाया वही फर्स्ट आ जाएगा। ऐसा कहकर विंग फ्लूट प्ले करना शुरू कर देता है। जिनजुशन और म्याम्या उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। विंग को भी फ्लूट प्ले करते करते बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। चिंगजा तुरंत जिडियन से उस सांप की गर्दन को जकड़ लेता है। जिशन और म्याम्या उसके हेड को साथ में टाई कर देते हैं। अब विंग चिंसू से कहता है, क्या तुम उसके गिल्स को मार पाओगी? चिंसू हाँ में सिर हिला देती है। चिंसू तुरंत अपने डैगर से उस सांप के गिल्स पर हमला कर देती है और वो बुरी तरह चीखने लगता है। हर जगह पानी ही पानी हो जाता है और अचानक से एक गलती हो जाती है। सांप के बॉडी से खून निकलता है। वो खून जैसे ही चिंसू को टच होता है वो तुरंत टाइम आउट हो जाती है। रिवर का पूरा पानी खून से भर गया था। वांग जी कहता है, ये ब्लड पॉइजनस है। विंग कहता है, गेम मास्टर्स ने हमें नहीं बताया था कि हमें इस तरीके के मॉन्स्टर से लड़ना है। तभी वांग जी कहता है, ये कल्टीवेशन का एक हिस्सा है कि हमें मॉन्स्टर को पहचानना होता है। शांगलू एक फेमस क्रिएचर है जिसका ब्लड पॉइजनस होता है। वो ये सब कह ही रहा होता है तभी विंग कहता है, प्लीज़ स्पेयर मी हंगुनजिन, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए, फिलहाल हमें इसे मारना होगा। विंग तुरंत उस मॉन्स्टर के सेंट्रल हेड की तरफ जाता है, अपनी सेबियाँ निकालता है और सीधा उसके जॉ में अंदर हमला कर देता है। वांग जी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, विंग, पर तभी शांगलू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर पानी में वैनिश हो जाता है और विंग अपनी स्वेबियन के साथ सीधा एरिना फ्लोर पर गिरता है। और जब वो होश में आता है तो एक बार फिर सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, उसके ऊपर प्योनीस फेंक रहे थे और रैबिट्स के टॉयस फेंक रहे थे। वो जीत गया था, वो ओलंपिक्स में गोल्ड जीत गया था। विंग को खुद नहीं पता था कि वो किस तरह मेडल सेरेमनी में पूरे टाइम खड़ा रहना मैनेज कर पाया। विंग को गोल्ड, जेंगशा को ब्रॉन्ज और वांग जी को सिल्वर मेडल मिला था जो उसकी चेस्ट पर ब्राइटली शाइन कर रहा था। क्योंकि विंग अब गोल्ड जीत चुका था, अब तो उसे हर जगह से पार्टीज के ऑफर्स मिल रहे थे, लड़कियाँ उसे सड्यूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी हमेशा की तरह कॉर्नेटोस की लाइन में खड़ा था। विंग उसे देखकर बहुत जालस फील कर रहा था, उस आइसक्रीम से बहुत जालस फील कर रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, कंग्रेचुलेशन वुशन गागा, हमारे रूम में कुछ टाइम बाद पार्टी होने वाली है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं। हमने काफ़ी सारी लोकल वाइन मंगवाई है जिसमें एम्प्रेस स्माइल भी है जो आपकी बहुत फेवरेट है। विंग कहता है, हाँ मैं तो उसका पूरा जग भी पी सकता हूँ। वांग जी तिरछी नज़रों से सब कुछ देख रहा था कि कितनी सारी लड़कियां विंग के आसपास घूम रही थी, पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। और आखिरकार बैंक्वेट के बाद विंग देखता है कि वो उन लड़कियों के क्वार्टर में ही था। काफ़ी सारी ड्रिंक ऑलरेडी वो कर चुका था। जब वो अपनी फिफ्थ ड्रिंक लेने वाला था, अचानक से पूरी दुनिया उसे गोल गोल घूमते हुए नज़र आ रही थी। उसके कपड़े उसे थोड़े ज़्यादा टाइट लग रहे थे और बहुत ज़्यादा हॉट भी फील हो रहा था। तभी एक ब्रिटिश लड़की उसके पास आकर कहती है, विशियन गागा, आप सच में एक लेजेंड हैं, आपको पता है ना? ऐसा कहकर वो विंग के चीक्स को पकड़ लेती है। उसकी फिंगर्स उसके चीक से अब उसके शोल्डर्स की तरफ जा रही थी और फिर उसके बैक की तरफ। वो विंग के कान में कहती है, वो लान वांग जी जो भी कोई है,
पूरे टाउन में सबको लगता है कि आपके और उसके बीच में कुछ है, क्यों ना इस बात को शांत कर दिया जाए। पिंग उसका हाथ अपने पास से हटाते हुए कहता है, सच में? वो लड़की इतनी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी कि उसकी जवान भी लड़खड़ा रही थी, इससे पहले कि वो विंग के साथ कुछ और कर पाती। अचानक से वो वहीं सो जाती है। विंग हंसने लगता है क्योंकि 5 ड्रिंक के बाद भी वो पूरी तरीके से होश में था। वो उस रूम से उठकर बाहर निकल जाता है। वो जेंगशा और अपने रूम में जाता है, पर जेंगशा ने ऑलरेडी दरवाज़ा बंद कर लिया था। विंग इससे पहले कि कुछ कहता, अंदर से एक लड़की के हंसने की आवाज़ आती है। विंग समझ जाता है कि जेंगशा किसी लड़की के साथ है। वो तुरंत उस रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो जितने भी रूम्स की तरफ देख रहा था, हर एक एथलीट का रूम बंद था। सब किसी न किसी के साथ थे और कॉम्पिटिशन ख़त्म होने की खुशी में इंजॉय कर रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरता है जिसके पास एक बैग था जो कॉन्डम से भरा हुआ था। वो विंग को देखकर पूछता है, क्या आपको भी एक कॉन्डम चाहिए? विंग को कोई आइडिया तो नहीं था कि उसकी रात कहाँ जाने वाली है, पर फिर भी वो उससे कुछ कॉन्डम्स के पैकेट ले लेता है। बाहर जाते जाते वो बस यही सोच रहा था कि ओलंपिक्स में जितने भी लोग थे वो सब आज किसी न किसी के साथ हैं। बस वही है जो अकेला रह गया है, क्योंकि वो और लंजा आज साथ नहीं है। पर तभी वो सोचने लगता है, क्या लंजा भी किसी के साथ होगा? ये सोचते ही उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वो ये सब सोचते ही गुसु एथलीट्स के क्वार्टर्स में चला जाता है, पर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे लोग सो चुके हैं। वो मन में सोचने लगता है, क्या लंजा के दरवाजे पर नॉक करना ठीक होगा? पर तभी अचानक वांगजी खुद ही उसके सामने आ जाता है। वो विंग को देखकर स्टंड रह जाता है और उससे कहता है, विंग? तभी विंग कहता है, लंजा, जेंगशा ने मुझे बाहर निकाल दिया, क्या तुम्हारे पास स्पेस है? फ्लोर पर भी मैं सो जाऊँगा। वांगजी उससे कहता है, मेरे पास एक बेड है, मेरा मतलब सेपरेट बेड्स हैं, मेरा रूममेट आज कहीं और है, तुम चाहो तो वहाँ सो सकते हो। विंग तुरंत हाँ कर देता है और वांगजी से कहता है, जैसा कि मैंने कहा, जेंगशा ने पता नहीं कैसे पर म्यांम्या से हुकअप कर लिया है, वो दोनों रूम में साथ साथ हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ शॉवर लेते ही तुरंत सो जाऊँगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। वांगजी इस बात पर सिर्फ हम कहता है। जब वो अपने रूम में जा रहे थे तो विंग उससे कहता है, क्या तुमने सोचा था कि सई में ओलंपिक्स के बाद ये हाल होगा? मतलब सब लोग कॉम्पिटिशन के दौरान बिल्कुल स्टोइक थे और अपने स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड थे। किसे पता था कि कंपटीशन ख़त्म होते ही सब लोगों के मन में सेक्स की इच्छा होने लगेगी। वांगजी सिर्फ हम कहता है और अपने रूम का दरवाज़ा खोल लेता है। वो दोनों अब वांगजी के रूम में थे। वांगजी अपने सूटकेस में से एक टॉवल निकालकर विंग को दे देता है और उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें शावर लेना है। वो अपनी नाइट शर्ट निकाल कर भी विंग को दे देता है और उससे कहता है, बाथरूम में सोप रखा हुआ है। विंग तुरंत शावर लेता है और वापस भी आ जाता है। उसने नाइट शर्ट पहनी हुई थी और नीचे उसने टॉवल पहनी थी। वांगजी एक सेकंड के लिए सिर्फ उसकी टॉवल की तरफ ही देखता रहता है, पर तुरंत ही वो अपना ध्यान उसके फेस की तरफ करता है। विंग तुरंत वांगजी के रूममेट के बेड पर जाता है और लेट जाता है। वांगजी भी अपने बेड पर लेटा हुआ था। पूरे रूम में अब दोनों के बीच में वही ऑकवर्डनेस हो गई थी जो उस दिन फीनिक्स माउंटेन पर थी। विंग कुछ टाइम बाद कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो लंजा, जो भी कुछ मैंने उस दिन फीनिक्स माउंटेन पर कहा था उस बात को लेकर। वांगजी जो कि वही उसी पोजीशन में मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था, वो विंग से कहता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। विंग कहता है, तुम मुझसे झूठ मत कहो, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। सोशल मीडिया पर लोग भी इस बात को लेकर नाराज़ हैं। वांगजी कहता है, पर मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हारे खुद के कुछ रीजंस थे और मैं उन्हें रेस्पेक्ट करता हूँ। विंग कहता है, क्या सच में? तो फिर अभी तुम इतनी जेलसी से मेरी तरफ क्यों देख रहे थे जब डाइनिंग हॉल में सारी लड़कियां मेरे आसपास थीं? कंपटीशन में आधे टाइम तक तुमने मुझे इग्नोर ही किया, बल्कि मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाने की कोशिश की पर तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब वो सारी लड़कियां मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही थी तो तुम ऑफेंडेड हो गए थे। तुम्हें पता है आज रात मैं किसी के भी साथ सेक्स कर सकता था, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ तुम चल रहे थे। वांगजी तुरंत बेड से उठ जाता है और उससे कहता है, मुझे ब्लेम मत करो, तुम खुद अपने मेट को नहीं ढूंढ पा रहे हो। वांगजी अब उसके बेड के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारा कोई कीपर नहीं हूँ, जैसा कि लास्ट टाइम तुमने खुद क्लियर कर दिया था। विंग अपने मन में बार बार कह रहा था, तुम मेरे नहीं हो पर मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। जैसे ही वो वांगजी के फेस की तरफ देखता है, वो कुछ ऐसा कर देता है जो बहुत ही स्टूपिड था,
वो तुरंत उसे पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। उसने सोचा भी नहीं था पर वांग जी उसे किस बैक करता है, वो भी फुल फोर्स के साथ। वो उसे किस करते हुए वियिंग की नेक तक आता है और एक हंग्री मैन की तरह उसे वहाँ बाइट करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो वियिंग के पास से उसका गोल्ड मेडल उठाते हुए कहता है, इसे पहन लो। वियिंग जब उसे पहनने लगता है तो वांग जी उसे रोकते हुए कहता है, सिर्फ इसे पहनो वियिंग। वियिंग तुरंत वो नाइट शर्ट निकाल लेता है जो वांग जी उसके लिए लेकर आया था और वो उस गोल्ड मेडल को पहन लेता है। वांग जी एक बार फिर बोल्डली उसे किस करने लगता है। वियिंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, शायद अब मैं समझ गया हूँ, तुम मेरे साथ केवल तभी सेक्स करोगे जब मैं गोल्ड जीतूंगा, है ना? अगर तुम विनर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, तुम्हें कम से कम विनर के साथ सेक्स तो करने को मिल रहा है। वांग जी रिस्पॉन्स में उसके बाल बहुत ज़ोर से खींचता है। वियिंग हंसने लगता है। वियिंग उससे कहता है, मुझे नहीं पता था द ग्रेट हांगुन जिन को गोल्ड मेडल्स के लिए इस तरीके की फीलिंग्स हैं। ओके गाइज, आज के इस हॉट से सेशन को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। आगे का कल कंटिन्यू करूँगी। अब आप लोग कहोगे, दीदी ऐसे टाइम पर क्यों ख़त्म करते हो, पर थोड़ा सा वेट तो चलता है, ठीक है? तो अब मैं आपके कल के क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया था कि मेरी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, तो ये अरेंज मैरिज ही हो रही है, जैसा कि मैंने अपने Q&A वीडियो में भी बताया था कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी। दूसरी बात, क्या मैं मैरिज के बाद वीडियोज़ डालूँगी या नहीं, तो हाँ मैं बिल्कुल डालूँगी। मेरे फियांसे को मेरे वीडियोज़ डालने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो BL सीरीज़ नहीं देखते, BL कंटेंट पसंद नहीं करते, पर उन्हें मेरे देखने से या शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज का ये क्यूट सा पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये पार्ट बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।